मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास विटामिन ई। जैसे कि पिछली क्लास में अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग सभी विटामिन की क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो आज लेते हैं हम विटामिन ई। विटामिन ई में इंट्रोडक्शन सोर्सेज डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो डोजेज होती है विटामिन ई की, फंक्शन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन विटामिन ई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। इट इज ए रेयर, ये कैसा विटामिन है, इट इज ए रेयर फाउंड इन मोर एबंडेंस। ये भोजन में काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ई। नेक्स्ट ये जो ग्रुप ऑफ है अल्फा रोल एंड टिकॉन रिनॉल, अदर नेम जो बोलते हैं विटामिन ई, टिकोक्रोल या टिको रिनॉल्स ग्रुप ऑफ अल्फा। ये दो विटामिन हैं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन ई है। फर्स्ट है ये इज अ बेस ऑफ एक विटामिन से जो भोजन में प्रचुर मात्रा में मोर एबंडेंस पाया जाता है। दूसरा ये अल्फा ट्रिप्टोफैन या ट्रिकोनिरोल्स ग्रुप ऑफ द नेम ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट ये एंटीऑक्सीडेंट जैसन के रूप में कार्य करते हैं। हम लेते हैं इसमें सोर्सेज और विटामिन ई। विटामिन ई के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, पहले लेते हैं वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे कि गेहूं से 10 दिन दाल या सनफ्लावर जो पौधे होते हैं उनसे तेल, ऑयल से मिलता है उससे, या सरसों और कुसुम वाले जो पौधे होते हैं उससे, या सोयाबीन। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है उनसे विटामिन ई हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट नट्स, ऐसा सबसे पहले है आलमंड, पीनट्स यानी मूंगफली, बादाम एंड फाइबर जो भी होते हैं फाइबर वाले नट्स एंड अखरोट, हेज़लनट्स, तो इनसे ये विटामिन हमें प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो होता है इसमें बीज, बीज में है सीड्स, सीड्स में मोस्ट जो है पौधा सनफ्लावर सीड्स। ये हमें विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं सीड्स से, बीज के द्वारा। लास्ट है वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, ब्रोकली। तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। सबसे पहले वेजिटेबल्स ऑयल्स, सेकंड नट्स, थर्ड सीड्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिस इज स्पिनच एंड ब्रोकली। वेजिटेबल्स ऑयल्स में भी गेहूं से जुड़ रहे सनफ्लावर, सूरजमुखी, सफेदों कुसुम वाले जो पौधे हैं, सोयाबीन ऑयल से हमें विटामिन ई प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट नट्स, नट्स में है कॉर्स बादाम, पीनट्स, मूंगफली का तेल, जो फाइबर से जो हेजलनट्स ये अखरोट वगैरह उससे जो निकलते हैं उनसे हमें विटामिन ई या विटामिन प्रोवाइड करते हैं। सीड यानी सनफ्लावर सीड यानी बीजों से वेजिटेबल्स होगी उसे स्पेनिश एंड ब्रोकली। अब लेते हैं नेक्स्ट में डेली रिकमेंडेड अलाउंस, यानी डोजेस हमें कितनी जरूरी है विटामिन ई की डेली रूटीन के हिसाब से। तो मैं इसमें
रेटिना की प्रॉब्लम, यानी आंख के अंदर विटामिन की कमी से जो रेटिना है वह काफ़ी कमजोर हो जाता है, जो कंडीशन बोलते हैं हम रेटिना प्रति और प्री मैच्योरिटी। थर्ड है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग ऑफ
होने की थ्रोम्बोसिस एंड एंजिना पेक्टोरिस, ये हर्ट कंडीशन, या हार्ट कंडीशन डिजीज होती है, इसमें कोरोनरी इंजन कोरोनरी जो आर्टरी डेवलप है उसमें थक्का हो जाता है या एंजिना पेक्टोरिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, तब उसमें ये डोजेज दी जाती है विटामिन डी की 300 to 240। और इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन से एंड हेल्थ एजुकेशन मदर टू एंड चाइल्ड टू एंड अवेयरनेस की जाती है जो विटामिन ई डाइट सोर्सेज है सोर्सेज नहीं सॉरी जो विटामिन ई डाइट सोर्सेज नहीं है जिनमें विटामिन ई उनको दिया जाता है और अवॉइड की जाती है जिनमें विटामिन ई की मात्रा कमी होती है उस सोर्सेज को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज क्लास विटामिन के। विटामिन के इज एसेंशियल लिपिड सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेस ए वाइटल रोल इन प्रोडक्शन ऑफ कोगुलेशन प्रोटीन्स। द बॉडी आल्सो नीड्स फॉर कंट्रोलिंग बॉडी कैल्शियम बोन्स एंड अदर टिश्यूज। विटामिन के हमारी बॉडी के लिए एक काफ़ी आवश्यक लिपिड सोल्यूबल विटामिन है जो काफ़ी रोल करता है बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ कोगुलेशन प्रोटीन्स। विटामिन के वन, पाइलोक्विनोन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन के टू, मेलाक्विनोन, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, विटामिन के थ्री, मेलाडियोन, मेटाबोलाइज्ड ऑफ विटामिन के वन। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस फोर प्रोटीन फैक्टर्स, चार प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं 4, 6, 9, 10। इट इज आल्सो सिंथेसाइज बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया, थस एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा इफ द इंटेस्टाइन मेल ऑब्जर्शन ऑफ फैट एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन आर रिकॉर्डेड एंड सेकेंडरी विटामिन डिफिशियंसी। नेक्स्ट, इट इज मोस्टली एनकाउंटर्ड ऑफ इन्फेंसी ड्यू टू मिनिमाइज स्टोरेज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड लैक ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा। नेक्स्ट है कोज ऑफ विटामिन के, लो ट्रांसफर विटामिन के इन्फेंट्स अक्रॉस द प्लेसेंटा, लिवर इम्यूनिटी विद प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, लैक ऑफ विटामिन के ब्रेस्ट मिल्क स्टाइल गट यूनिट्स अकाउंट ऑफ विटामिन के डिफिशियंसी। इन एडल्ट्स द कोज ऑफ विटामिन के इंक्लूड द फ्लोविंग, क्रॉनिक इलनेस, माल न्यूट्रिशन, एल्कोहलिज्म, इंफ्लामेटरी बोवल डिजीज, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, एंटीकोगुलेशन, सैलिसिलिक एंड बारबिट्यूरेट्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज, वेल ऑब्जर्शन, लीवर डिसफंक्शन। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द विटामिन के, फर्स्ट है द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर प्रेजेंट ओनली ऑफ हाइपोथ्रोम्बोनीमिया इन पेशेंट, ब्लीडिंग इज मेजर सिम्टम स्पेशली द रेस्पॉन्स ऑफ माइनर एंड ट्राइबल ट्रोमा। इट कैन बी फ्रॉम ऑफ द साइट वी इंक्लूड म्यूकोसल सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग सच एज एपिटैक्सिस, हेमाटोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हेमाचूरिया, गम ब्लीडिंग एंड पिन ओपन साइड। नेक्स्ट, एनीमिया एंड ब्लीडिंग, दिस डायग्राम इज ब्लीडिंग ऑफ एपिटैक्सिस। डायग्नोसिस ऑफ विटामिन के, लेबोरेटरी टेस्ट शो प्रोलॉन्ग थ्रोम्बिन टाइम फाउंड बी विटामिन के डेफिशिएंसी। थ्रोम्बिन टाइम जो नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम है 11 to 13, 2.5 सेकेंड। ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन के, इन एडल्ट केस ऑफ हेमरेज ए सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 15 mg ऑफ विटामिन के गिवन, यूजली गिवन फॉलोड बाय 1 tablet ऑफ विटामिन के टैबलेट और ट्वाइस डेली फ्रॉम ए वीक। इन केस ऑफ हेमरेज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विटामिन के 1 mg ऑफ गिवन एंड रिपीटेड अबाउट 8 only and 24 only। प्रिवेंशन ऑफ विटामिन के, डाइट कॉमन वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग ग्रीन पीस, बीन्स, एस्पिरियस, स्पैनिश, केबेक, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली एज वेल एज कोर्स ऑफ होल वीट इन द रिच विटामिन के, काउ मिल्क, पोर्क लीवर एंड सोयाबीन आल्सो कंटेन विटामिन के। इन प्रीटर्म इन्फेंट रिकमेंडेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के डोजेज 0.5 to 1.0 mg इंट्रामस्कुलर फॉर प्रोफिलैक्टिक पर्पज। डेली रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन के मेल्स एंड फीमेल्स 14 to 18.5
0.75 माइक्रोमिलीग्राम पर डे के हिसाब से। मेल्स एंड फीमेल्स एज 19 टू ओल्डर 90 मिलीग्राम डे फॉर फीमेल्स इंक्लूडिंग दोज हु आर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। रेशियो 120 माइक्रोमिलीग्राम पर डे मेल्स। देन कंप्लीट इज विटामिन के विटामिन्स। थैंक यू एवरीवन।